योग गुरु डिजिटल बाबा स्वामी रामशंकर ने देवभूमि हिमाचल के शिव नगरी बैसनाथ से कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बच्चे बने अच्छे मिशन का आरंभ किया। इस मिशन का मकसद बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करते हुए उन्हें भारत की प्राचीन ऐतिहासिक महत्ता से परिचित करते हुए एक मानवीय संवेदना को आज की पीढ़ी में जीवंत रूप में स्थापित करना है। स्वामी रामशंकर ने कहा कि आज हम स्वार्थ के वशीभूत हम अपने अपनों से दूर होते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में मानव जाति के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। इसलिए हमें आज से ही नई पीढ़ी को जागरूक करना है कि हमारे जीवन में जीव के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति मनुष्यता बस सके। जो बिगड़ चुके लोग हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं है, परंतु जो अभी बिगड़े नहीं है ऐसे बालक बालिकाओं को प्रेरित कर योग शास्त्र के उपदेशों को समझा कर बेहतर इंसान बनाया जा सकता है, और इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर बच्चे बनेंगे अच्छे इस मिशन की हमने शुरुआत की है। आज शहर के तमाम बच्चे पार्टिसिपेट की बहुत खुश थे, उन्होंने योगासन किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातों को सुना मन लगाकर। इस बात के लिए वो संकल्प लिए कि हम अपने जीवन में एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पर अपना जीवन जीते हुए समाज के लिए कुछ करेंगे, अपने माता पिता को खुश रखेंगे, समाज में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी शिकायत हमारे परिवार में आए। तो हमारा कुल मिलाकर यही एक उद्देश्य है कि हमारी जो पीढ़ी है और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इन दोनों के बीच में एक पुल का काम करते हुए शहर के बच्चे आए। आज के कार्यक्रम में कुछ बच्चे आए, संख्या कम थी, लेकिन फिर भी बड़े तल्लीनता के साथ, बड़े आनंद के साथ उन्होंने आसन का अभ्यास किया, मंत्रों का उच्चारण किया, कुछ जीवन मूल्य, जीवन को कल्याणकारी बनाने वाले विषय वस्तुओं का उन्होंने श्रवण किया, और साथ ही साथ ये वादा किया कि हम अगले रविवार को भी और लगातार जब जब कार्यक्रम होगा तब तब हम आएंगे, इसमें भाग लेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। आप सबसे भी अपील है कि अगर आप बैजनाथ के आसपास रहते हैं तो ज़रूर अपने बच्चों को भेजिए ताकि उनको इसका लाभ मिले।